Hi guys, hi everyone. Today we have to discuss about a new topic and that is friends like that. अगर हम इनकी बात करें friends, time, weight, money, distance, इनकी बात अगर हम करें तो इनके साथ हम हमेशा singular verb का यूज करते हैं। किसका? सिंगुलर वर्ब का। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं टाइम, तो हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे 8 hours इज इनफ टू रीड, 8 घंटे पढ़ने के लिए बहुत हैं। 8 hours इज इनफ टू स्लीप। यहाँ पर हमारा जो 8 घंटे है वो हमारा प्लूरल था, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब का हमने यूज किया है वो किसका किया है? सिंगुलर का। इज सिंगुलर वर्ब होती है। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट वेट है, जैसे 50 kilograms इज अंकित वेट। जो 50 kilograms है वो अंकित का वेट है, ठीक है। टू लिफ्ट 50 kilograms इज नॉट टू हार्ड फॉर ए गुड बॉडी बिल्डर। यानी कि टू लिफ्ट उठाना 50 kilograms, 50 kilo इज नॉट टू हार्ड, मुश्किल नहीं है फॉर ए गुड बॉडी बिल्डर। यानी कि एक अच्छे बॉडी बिल्डर के लिए 50 kilograms वेट उठाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब बात करें अगर मनी की, तो 500 rupees इज नॉट मच इन टूडेज वर्ल्ड। आज की दुनिया में 500 रुपये कुछ भी नहीं है, या मान लीजिए कि आज की दुनिया में 500 रुपये अधिक नहीं है, ठीक है। 50 rupees इज इनफ फॉर ए चाइल्ड। 50 रुपये बहुत है एक बच्चे के लिए, ठीक है। अब बात करें अगर हम डिस्टेंस की, क्योंकि हमने किसके बारे में पढ़ा? टाइम के बारे में हमने 2 sentences किए, वेट के बारे में हमने 2 sentences किए, मनी के बारे में हमने 2 sentences किए। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस की, ठीक है। तो डिस्टेंस के बारे में, जैसे मान लीजिए कि 10 kilometers इज नॉट फार फॉर हिम। जो 10 kilometers है वो दूर नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस प्रकार से सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अगर मैं बात करूँ स्पीकिंग की, तो स्पीकिंग में आप यहाँ पर आर भी लगा सकते हो सब जगह। इज हमारी सिंगुलर वर्ब है, लेकिन आप आर का भी प्रयोग करो तो भी चलेगा, क्योंकि स्पीकिंग में मैंने आपको बहुत बार बताया है स्पीकिंग इज़ डिफरेंट एंड ग्रामर इज़ डिफरेंट। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू ग्रामर, और आप स्पीकिंग के हिसाब से फ्रेंड्स, स्पीकिंग तो बहुत आसान है, आप बोलना स्टार्ट कीजिए, आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल नो हाउ टू स्पीक। सो जस्ट यू हैव टू ओनली जस्ट अ लिटल बिट स्टार्ट स्पीकिंग। इफ यू जस्ट स्टार्ट इट, सो जस्ट यू विल कम टू नो दैट यू हैव कम टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सो जस्ट फ्रेंड्स, ओके डियर, हैव अ सुपर डे, हैव एन अमेजिंग डे, हैव अ गुड डे।